गाइस वेलकम टू रॉयस ब्लू फिंच वंस अगेन। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं वो गनगनी बोल के वो जगह पे, गौड़बेता का उस पोजीशन पे। ऑलरेडी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, आप लोगों को नहीं देखे होंगे तो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो आज हम लोग आए हैं उसका थोड़ा सा डिस्क्राइब करके दिखाने के लिए। मतलब आज हम लोग हर एक चीज़ यहाँ का हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे। तो गाइस चलिए, तो चलते हैं वो गनगनी पे। ये देखिए, ये है ऑफिस। ये ऑफिस मतलब ये किस चीज़ का ऑफिस है? ये एक पिकनिक स्पॉट है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो ये पिकनिक स्पॉट पे आप लोगों को मतलब यहाँ पे आके पिकनिक करना होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे बुकिंग करना होता है। तो आप लोग बुकिंग कीजिए पहले। बुकिंग कहाँ पे करेंगे? बुकिंग यहाँ पे, ये जो ऑफिस है, ये ऑफिस पे आके आप लोग बुकिंग करेंगे। बुकिंग करने के बाद आप लोगों को जगह दिया जाएगा, एक स्लॉट दिया जाएगा, उस जगह पे जाके आप लोग पिकनिक कर सकते हैं। चलिए गाइस, और भी दूसरा चीज़ देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये सब खाली जगह है यहाँ पे। ये देखो, और ये जो सब पेड़ देख रहे हो ना, ये सब पेड़ काजू बादाम का है। तो काजू जो हम लोग खाते हैं ना यहाँ पे, ये काजू का मतलब फार्मिंग होता है यहाँ पे। काजू का ही ये सब पेड़ है, सीजन वाइज यहाँ पे होता है। ये है काजू का पेड़ ये सब। और यहाँ पे देखो, सब लोग ये शाम में आए हैं, सब लोग यहाँ पे थोड़ा सा घूमने के लिए। और ये जो प्लेस आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो प्लेस है, ये एक्चुअली वहाँ का ही प्लेस है। मतलब यहाँ पे आके पिकनिक आप यहाँ पे भी ये स्पॉट पे भी कर सकते हैं। मतलब बारिश होगा तो सब लोग यहाँ पे आके, यहाँ पे देखिए ये पिकनिक स्पॉट लिखा हुआ भी है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है गनगनी पिकनिक स्पॉट, ये बंगाली में लिखा हुआ है। एक नंबर पंचायत के अंदर आता है। और यहाँ पे रेट सब लिखा हुआ है। ये बंगाल का ग्रैंड कैनियन है। यहाँ पे बास के लिए 350 रुपीज़, छोटा गाड़ी के लिए 200 रुपया, ज़मीन यहाँ पे 10 जन के लिए 100 रुपया, हर एक घर हम लोग लेना चाहते हैं तो 500 रुपीज़, छाता मतलब ये अम्ब्रेला हम लोग एक लेते हैं तो 150 रुपीज़, ऑटो के लिए 70 रुपीज़, टोटो के लिए 50 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। तो आप लोगों को बुकिंग करना होगा तो आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो शूटिंग होता है, ये चीज़ देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है शूटिंग के लिए 1000 रुपीज़ पर डे, एंड शादी के लिए फ़ोटो खींचने के लिए 500 रुपीज़ पर डे। कि ये मेरे पीछे है, उस दिन उस साइड से दिखाए थे ग्रैंड कैनियन को, आज मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी बहुत लोग नीचे में हैं, तो आज हम लोग नीचे में भी चलेंगे। तो गाइस चलिए, हम लोग नीचे चलते हैं और आप लोगों को एक्सप्लोर कराते हैं ये बंगाल का ग्रैंड कैनियन। ये नीचे जाने के लिए ये सीढ़ी बना हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा नीचे हम लोग चलते हैं। चलिए गाइस, देखो पूरा पत्थर से बना हुआ है ये रास्ता। थोड़ा सा ध्यान से उतरना होगा, नहीं तो ये देखो ऑलरेडी ये टूट चुका है बहुत सारा जगह। ये देखो बंगाल का ग्रैंड कैनियन, मतलब कैसे बना है ये, पूरा एकदम नेचुरल है, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। तो देखो गाइस, ये सारा चीज़ कैसे बना हुआ है, क्यों इसको ग्रैंड कैनियन कहा जाता है, अभी आप लोगों को पूरा एकदम समझ में आएगा। ये देखो, ये नीचे में पूरा एकदम पानी जाने के लिए एक रास्ता भी है। मतलब देखो कैसे बन गया है ये जगह, कैसे नेचुरल क्लाइमेट के हिसाब से ये सारा चीज़ बना हुआ है। ये रास्ता देख सकते हो, मतलब कैसा रास्ता है, यहाँ पे जाके फिर से लगा है, इसमें कुछ भी नहीं है जाने के लिए, पूरा एकदम ये रास्ता बना हुआ है। देखो कैसा, मतलब कैसे हुआ है। अभी रेनी सीजन है तो इसीलिए इतना पेड़ है पूरा एकदम। ये देखो गाइस पूरा कैसा है, ये देखो।
कैसा कैसा जगह बना हुआ है देखो। ये देखो कितना लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। ये देखो कैसा है जगह, क्यों इसको ग्रैंड कैनियन कहा जाता है, आई थिंक अभी आप लोगों को समझ में आया है। ये देखो कैसा जगह है पूरा एकदम। ये देखो गाइस, इसके यहाँ से ऊपर भी जाया जाता है। ये देखो कैसे अंदर घुस गया है सारा चीज। ये देखो देखे हो, ये देखो ये देखो कैसे बना हुआ है। ये कोई डिजाइनर डिजाइन नहीं किया है। ये देखो हम लोग ऊपर आ चुके हैं, वो जो रास्ता दिखा है अभी, ये देखो ये है व्यू। अब नीचे उतरेंगे, यही है इधर से। देखो ये देखो हम लोग अभी इस साइड से नीचे जाएंगे। ठीक है गाइस, नीचे जाके फिर से आते हैं। और एक चीज़ दिखा, ये देखो बारिश में क्या होता है, बारिश में पूरा एकदम नीचे से ये मिट्टी पूरा एकदम पानी में धो के चला जाता है और अंदर देखो ये पूरा एकदम अंदर तक चला गया है। कुछ दिन बाद ये सब भी इसके नीचे गिर जाएगा। ये देखो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, मतलब वो जो नदी के बारे में हम लोग बोले थे ना, शिलावती बोल के जो नदी है, वो नदी के सामने हम लोग जा रहे हैं। ये देखो नदी, इसके वजह से यहाँ पे ये देखो ये है नदी। देखो गाइस ये है नदी, और जो शिलावती नदी के बारे में हमने बोला था, और अभी रेनी सीजन चल रहा है तो इसीलिए इतना पानी है, तो अभी के टाइम पे तो इस साइड से उस साइड जाना पॉसिबल नहीं है, तो यही है हम लोगों का। देखो गाइस, और ये नदी के पास से जो दिख रहा है ये तो एकदम पेड़ वेड़ भर गया है, तो ये ग्रैंड कैनियन हम लोगों का। ये नदी के पास यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ तुम लोग देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये मछली पकड़ने के लिए यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो यहाँ पे मछली सुबह तक आ जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे वो मछली भी बिकता है यहाँ का बाज़ार में। तो ये देखो गाइस, बहुत पसीना पसीना हो गया, एकदम बहुत भीग गए हम लोग, तो अभी एकदम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। तो अभी हम लोग तो ग्रैंड कैनियन देख ही चुके हैं, तो चलते हैं गाइस फिर से वो जो सीढ़ी है हम लोग, मतलब वो जो स्टेयर्स दिखाया है वो स्टेयर्स से हम लोग ऊपर चलते हैं। चलिए तो वहाँ पे जाके हम लोग ख़त्म करेंगे। ऊपर आ चुके हैं, तो आज का वीडियो यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग पे। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये चैनल रॉयस ब्लू फिंच। थैंक यू गाइज़।